गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार बताएं। यस ओके। तो कैसे हैं सभी? बस गुड इवनिंग। वीडियो ब्लर है। कुछ प्रॉब्लम हुई है। एक मिनट ना, कैमरे का फोकस शायद खराब हो गया है। एक मिनट मुझे ठीक करने दो ना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताना। गुड इवनिंग। कैमरे का फोकस खराब हुआ है शायद, तो इसलिए ब्लर आ रही है वीडियो। अभी कैसा लग रहा है? ब्लर है। एक मिनट, बस एक मिनट देना मुझे, थोड़ा ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ये हिल जाता है ना कैमरा। मुझे तो क्लियर ही दिख रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है फोन में? मुझे तो ना क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, पर फोन में ब्लर दिख रहा है। या मैं एक बार कैमरा निकाल के दोबारा लगाती हूँ ना। कैमरा दोबारा लगाती हूँ निकाल के। एक मिनट में आती हूँ मैं।
आप बताओ, ठीक है? अभी अभी ठीक है? अभी भी ब्लर है। अब छोड़ो, अभी मैंने सब सेट कर लिया है, फिर भी नहीं आ रहा। हो सकता है नेटवर्क इशू। आवाज क्लियर है ना? आवाज का बताएं मुझे। आवाज क्लियर है तो हम आगे चल पड़ेंगे, फोटो की कोई बात नहीं है ना? आवाज आनी चाहिए बस। आवाज ठीक है? ओके, तो फिर हम चलते हैं, पढ़ाई करते हैं ना? सबका ही वीडियो ब्लर है, क्योंकि मेरे फोन में भी ब्लर ही दिखाई दे रहा है मुझे। वैसे बस यहाँ लैपटॉप में सही दिख रहा है, फोन में दिख रहा है। अच्छा, बुक्स का? ओके, बुक्स का देख लेते हैं। ये भी आपने सही कहा। तो ओके, दिख रहा है ना? ये तो दूसरे कैमरे से दिखेगा ना, बुक्स वाला जो मेरा फेस है वो दूसरे कैमरे से दिखेगा, तो इस वजह से इसका शायद फोकस खराब हो गया है, या कोई दिक्कत आ गई है, या फिर नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो ठीक है ना? वी वॉन्ट JRF दिख रहा है आपको? ओके, तो बस हम फिर चलते हैं, है ना? पढ़ते हैं। मेरी फोटो की कोई बात नहीं, फोटो नहीं भी आएगी तो भी हम पढ़ ही लेंगे। ओके, तो वी वॉन्ट JRF, हमें JRF लाना है 2023 अभी दिसंबर के लिए, है ना? तैयार हो जाए आप, अपने आप को तैयार करें, अपने कमर को कस लें। ये YouTube क्लास का टाइम और ऐप क्लास का टाइम इसमें लिखा है, वैसे इसमें गलत लिखा है। मंडे ट्यूसडे हमारी जो क्लास है वो होती है YouTube पर, मंडे और ट्यूसडे, और ये वाली जो क्लास है हमारी बाकी डेज में ऐप पर होती है 6 से 7 PM। ठीक है, ये आपको पता ही है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे लिखा है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो शिक्षा एक हथियार है, अगर आप शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करते हैं तो आप इससे दुनिया को बदल सकते हैं ना। यहाँ पर थे हम, मैंने आपको बताया था कि जो राज लिखा है पृथ्वीराज होगा, है ना? पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषता कुछ पीछे गोरखनाथ होने का अनुमान दृढ़ होता है। यहाँ पर है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9, ये हमने कल भी देख लिया था। गुड इवनिंग SS, बहुत दिनों बाद क्लास में दिखे हो, कहाँ थे आप इतने दिन तक? ओके, अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के ये नाम गिनाए गए हैं, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लार्जुन। तो ये 9 नाथों के नाम हैं, कल भी मैंने बताए थे आपको, और ये 9 के 9 आपको याद होने चाहिए। अभी भी वीडियो ब्लर आ रही है ना, आपको ये दिख रहा है कंटेंट स्क्रीन पर? अब ये ब्लर क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूं बात को। थोड़ा ब्लर है, क्योंकि मुझे भी ब्लर दिख रहा है। अब ये नेटवर्क इश्यू है या क्या प्रॉब्लम है, मैं समझ नहीं पा रही हूं।
ओके बुक है ना आपके पास, अपनी बुक में निशान लगाते चलेंगे है ना, अंडरलाइन करते चलें, थोड़ा सजेस्ट कर लें अगर होता है तो, नहीं तो फिर कुछ करते हैं। इन नामों में नागार्जुन, चटपट और जलंधर, सिद्धू की परंपरा में भी है, ये मैंने आपको बताया था, नागार्जुन, चटपट और जलंधर, जलचर नाग, तो ये तीनों सिद्धों में भी है, नाथों में भी है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। इन्होंने ये अलग हो गए थे, दिख रहा है ओके, बस हाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और बुक है आपके पास तो अपने बुक में अंडरलाइन करते चलेंगे, देखते चलेंगे बुक से, अगर नहीं है बुक तो फिर मैं आपको यहाँ पे लाइन बोलूंगी, आपको उसको लिखना है ठीक है। नागार्जुन प्रसिद्ध रसायनी भी थे, नागपंथ में रसायन की सिद्धि है, नागपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सिद्धू की परंपरा से नाथ निकला है, नाथपंथ निकला, क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि इन्होंने अपनी परंपरा अलग कर ली थी है ना। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनबी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें से कुछ सूफी सूफी भी थे, बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है उन्होंने अपने ग्रंथ का प्रचार प्रसार कहाँ पर किया, राजपूताने और पंजाब में किया था। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। तो जब हम इतिहास को देखते हैं तो क्या मतलब, जनश्रुति बताते हैं कि सुनी सुनाई बात है कि इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीर जो हैं और पीर जो हैं वो इस्लाम को जनप्रिय बनाने में लगे हुए थे है ना, बहुत भारत में बहुत दिनों तक ये चलता रहा कि इस्लाम को मतलब प्रिय बना सके, लोगों की नजरों में जनता को प्रिय बना सके। आगे है, पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। तो पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं ठीक है। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। ये भी मैंने आपको कल बताया था कि चमत्कारों के पर बहुत ज्यादा भोली भाली जनता जो थी चमत्कारों पर बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी, और इन पे अपना जनता के बीच में अपना प्रभाव दिखाना, और ये सब कुछ तो पहले से चला आ रहा था, अब इन लोगों को इसमें इनके साथ मुकाबला करना था, तो मुकाबला करके हमें मतलब इन लोगों को जीतना था, क्योंकि जनता तो पहले सिद्धों नाथों के प्रभाव में है। यहाँ पर बता रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन का एक अलग से एक पंथ चला, जिसमें क्या कर रहे थे, ये कंपटीशन कर रहे थे किसके साथ, सिद्धों और नाथों के साथ। अब जनता तो सिद्धों और नाथों के प्रभाव में पहले से ही है ना, जनता सिद्धों नाथों के प्रभाव में पहले से ही चली आ रही है, तो फिर इन्होंने क्या करना था, मुकाबला करना था। तो अब कैसे करना है मुकाबला, कुछ अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए और कुछ ज्यादा होना चाहिए अपने पास, तभी वो मुकाबला कर सकेंगे ना, क्योंकि सिद्धों और नाथों के प्रभाव में तो जनता पहले से ही चली आ रही है, तो इतनी जल्दी से जिस चीज का प्रभाव होता है जनता बहुत जल्दी से तो उस प्रभाव को नहीं छोड़ पाएगी, तो इसीलिए बता रहे हैं ये बात। आगे है, ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है, यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। ईश्वर को मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है, मतलब कि वही एक सामान्य मार्ग निकाले जिसमें हिंदू भी आ जाए मुसलमान भी आ जाए, जैसे हमने पढ़ा था भक्ति काल में है ना, तो सामान्य एक मार्ग निकालना कि जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए इजी हो जाए, ऐसा आसान तरीका निकालना भक्ति करने के लिए। तो ये बता रहे हैं कि जनता के आगे उस तरीके को हम रख सकते हैं
यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी, तो गोरखनाथ ने सोचा, गुड इवनिंग पिंकी, तो गोरखनाथ ने ये सोचा कि मैं ऐसी बात जनता के आगे रखूं जिससे कि क्या हो जाए, हिंदू भी आ जाए उसमें, मुसलमान भी आ जाए, और उनके लिए, दोनों के लिए आसानी हो जाए। गुड इवनिंग अनुराधा। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता ना थी। तो क्या बता रहे हैं कि उसमें जो मुसलमान थे उनको अप्रिय मूर्ति पूजा, मतलब कि उनको अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता नहीं थी। तो जो मूर्ति पूजा है उसमें बहुत सारे देवताओं की उपासना करनी पड़ती है, बहुदेवोपासना तो वैसे ही बहुत सारे देवताओं की उपासना ही है ना, तो इन लोगों को आवश्यकता नहीं थी उसकी, उनको चाहिए था एक आसान मार्ग, आसान रास्ता तैयार करना। अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी, और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। तो क्या बता रहे हैं कि दोनों के विद्वेष भाव को दूर करने के लिए, दोनों दोनों कौन, हिंदू और मुसलमान, दोनों के बीच जो आपसी मनमुटाव चलता रहता है, विद्वेष चलता रहता है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, साधना का एक सामान्य मार्ग जो है निकालने की संभावना समझी थी, कि जरूरी है कि इन दोनों के लिए हम एक सामान्य भक्ति मार्ग निकालें कि इनके अंदर का विद्वेष भाव भी दूर हो जाए और लोग भक्ति की तरफ बढ़े भी। और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए, तो मतलब खुद तो वो नहीं रहे, लेकिन जो उनकी शिष्य परंपरा चली आ रही थी है ना, तो उसमें उनका, उनके संस्कार आते गए। शिष्यम, गुरु के संस्कार शिष्यों में आते जाते हैं ना, तो गुरु के संस्कार शिष्यों में आते गए, तो ये शिष्य परंपरा में उन बातों को छोड़ गए। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधान के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधान के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। क्या बता रहे हैं कि जो नाथ संप्रदाय के सिद्धांत हैं, सिद्धांत के जो ग्रंथ हैं, हर एक सिद्धांत के अलग अलग अपने अपने ग्रंथ होते हैं, तो वैसे ही नाथ संप्रदाय के भी अपने ग्रंथ है ना। ईश्वर उपासना के बाह्य विधान के प्रति, बाह्य विधान आप समझ पा रहे हैं कि मूर्ति पूजा मंदिरों में, मस्जिदों में, और मंदिर मस्जिदों में जाना, तीर्थ नहाना, व्रत करना, त्योहार वगैरह, जो मतलब बाहरी विधान है उनकी बात करें कि बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। किसमें? नाथ संप्रदाय के जो सिद्धांत ग्रंथ है उसमें, कि भाई ये इन चीजों को, मतलब क्या किया गया कि इन चीजों को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई और इन चीजों को नकारा गया, इनके प्रति उपेक्षा प्रकट की गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए उपासना में, ईश्वर उपासना में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बाह्य विधान है वो नहीं होने चाहिए, जो मंदिरों में लोग जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, बहुदेव उपासना करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो उपेक्षा प्रकट की गई, घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया, मतलब कि घट के भीतर, मैंने आपको बताया था यह हम भक्ति काल में पहले ही पढ़ चुके हैं, घट के भीतर ईश्वर को प्राप्त करना मतलब अपने अंदर ही ईश्वर को खोजने के लिए बताया गया है कि अपने ही अंदर ईश्वर को खोजें, है ना। तो घट के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है कि भाई आपको क्या करना है, अपने ही अंदर ईश्वर को ढूंढना है ना, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने ही अंदर ईश्वर को खोजना है। तो बाह्य विधान के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई और घट के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया। आगे है, वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहरा कर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई। तो वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराया गया और विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई, तो मतलब जो वेद शास्त्र है उनको पढ़ना भी व्यर्थ है, इन्होंने ऐसा कहा। किसकी बात चल रही है यहाँ पर, किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है बताएं जरा। नाथ संप्रदाय की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। नाथ संप्रदाय में ये हुआ, देखो कबीर पर भी नाथों का ही प्रभाव था, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, ये भक्ति काल में कबीर पर नाथों का प्रभाव था। एक मिनट रुके जरा, मैं टेक्निकल टीम को कह देती हूँ कि मेरी वीडियो नहीं आ रही है क्लियर, तो कुछ करेंगे वो, बस एक मैसेज करना, एक मिनट रुकना।
ओके, तो मैंने आपको ये सारी चीजें पहले ही बता दी थी ना, नाथ। हमने देखा था कि नाथों का ही प्रभाव था कबीर के ऊपर, है ना। और कबीर ने भी यही सारी सारी चीजें कही कि ईश्वर उपासना के लिए बाह्य विधान को उन्होंने नकारा, उसके प्रति उपेक्षा प्रकट की, और घट के भीतर ईश्वर को खोजने का इन्होंने एक तरीका बताया, है ना। कुंडलिनी जागरण करना है और समाधि लगानी है, आसन लगाकर बैठना है ना। तो अभी आपको क्लियर दिखेगा नहीं, नहीं तो मैं यहाँ पर, ये मैंने कल बताया था आपको, कुंडलिनी जागरण है ना, ये एक साधक की बैठने का, एक समाधि का तरीका है। तो यहां से तो ये टेढ़ा ही बन गया। तो कुंडलिनी जागरण के लिए किसने बताया था? नाथों ने ना। इस तरह से एक साधक की बैठने की अवस्था, कि वो इस तरह से बैठेगा और यहां से शुरू होता है ये कुंडलिनी जागरण का तरीका। फिर यहां पर जाकर क्या होता है? नाद। नाद किसको बोलते हैं? विस्फोट, यानी कि प्रकाश का विस्फोट यहाँ पर होता है और आत्मा का मिलन हो जाता है परमात्मा में, है ना। किसका? आत्मा का मिलन कहाँ हो जाता है? परमात्मा में हो जाता है इस तरह से। और ये जो गंगा जमुना सुषमुन्ना जो मैंने नाड़ियां कल बताई थी आपको, इला पिंगला और सुषमुन्ना, ये भी इसके साथ साथ ही चलती हैं ऐसे, है ना। तो ये तीन नाड़ियां हैं, इसके साथ साथ ही चलती हैं, ये साधक की बैठने की अवस्था है, इस तरह से वो समाधि लगाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं कि घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करना है, घट के भीतर ईश्वर को खोजना है। घट के भीतर मतलब कि अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर ही ईश्वर है, मतलब शरीर ही मंदिर है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी मंदिर में मत जाइए, कहीं भी मस्जिद में मत जाइए, कहीं पर भी सिर मत झुकाइए, वेद शास्त्रों का अध्ययन मत कीजिए, है ना। इन सारी चीजों पर इन्होंने बल दिया और जो वेद शास्त्र है उसका अध्ययन भी इन्होंने व्यर्थ ठहराया, और जितने विद्वान हैं उनके उनके प्रति भी अश्रद्धा, है ना, श्रद्धा नहीं अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं कि तीर्थाटन मतलब जो तीर्थ यात्रा है उसको नहीं करना है, उसको उसको करके कोई फल नहीं मिलेगा, निष्फल कहे गए हैं, ठीक है। तो आगे क्या बताते हैं? योग शास्त्र पठे नित्यम किमन्वयी शास्त्र विस्तरई, मतलब वही योग शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, है ना। ना वेदो वेद इत्याहुर्वेदा वेदो निगद्यते परमात्मा विद्यते येन सवेदो वेद उच्यते ना संध्या संधिरित्याहु संध्या संधिर निद्य गद्यते। तो ये जो पंक्तियां हैं वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका मीनिंग भी यही है कि इन्होंने इन सारी चीजों को, यो जो वेद शास्त्र है, इन सब चीजों को व्यर्थ ठहराया है। आगे चलते हैं, अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदय दर्पणम यस्यम, ठीक है इसको हम छोड़ देंगे, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, है ना। आगे हम देखते हैं परमात्मा की अनिर्वचनीयता, इस ढंग से बताई गई है, शिवम ना जानामी कथम वदामी, ठीक है ये भी कुछ खास नहीं है। भावना हुई अभावना जाने, ये लुईपा की पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भावना हुई अभावना जाने। अगर आपको दिख रही है स्क्रीन पर तो ठीक है, अदरवाइज मैं बोल रही हूँ आप लिख सकते हैं, भावना हुई अभावना, अभावना हुई भी यहाँ पे लिखा हुआ है, भावना हुई अभावना जाने भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कब कब कहीं कहीं मतलब कहीं कहीं ये ऐसे लिखा मिलता है, भावना हुई अभावना जाने, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? भावना हुई अभावना हुई, तो मेरी बुक में भी यही लिखा है। ऐस संबोहे को पतियाई, ये लोहिपा की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है, नोट करनी है, पूछी जाती है, ठीक है। अभावना हुई भावना हुई अभावना हुई, ये दोनों ये वाली पंक्ति जो है ऐसी ही पूछी जाती है। नाद और बिंदु संज्ञा वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरखनाथ सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे। नाद मैंने आपको बता दिया, प्रस्फुटन जब होता है, कुंडलिनी जागरण जब होता है, इस तरह से एक साधक की जो अवस्था होती है, यहाँ से ये शुरू होता है ऊपर तक, और यहाँ पर तीसरी आंख जहां पर होती है वहां पर ये सारी नाड़ियां जो है आपस में मिलकर के काम करती हैं, गंगा जमुना और
अर्थ भी बता दो। देखो इसका अर्थ कोई जरूरी नहीं है, जो जरूरी होगा मैं बता दूंगी, है ना। ये पूछा ना, ना ही ये पूछा गया, ना ही पूछा जाएगा, ठीक है। भावना हो या भावना जाने, इसको आप याद रख लेना। और यहां पर जो है ये वाला जो है, यहां पर जहां तीसरी आंख होती है वहां विस्फोट होता है, नाद होता है। नाद मैंने बता दिया आपको, नाद जो है वो विस्फोट, प्रकाश का विस्फोट यहाँ पर होता है और आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। तो यहाँ पे बता रहे, नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे, कि दोनों ही सिद्ध और नाद दोनों ही इसका इसकी उत्पत्ति मानते थे। जगत की उत्पत्ति किससे मानते थे? नाद और बिंदु के योग से, ठीक है। आगे है, तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा है। चित्त शोधन प्रकरण, चित्त शोधन मतलब कि अपने चित्त को शोधित करना, यानी कि क्या करना, पवित्र करना। प्रकरण में वज्र यानी सिद्ध, आयुर्देव यानी कि कर्णरीपा का वचन है, तो कर्णरीपा को आयुर्देव भी कहते हैं। ये कुछ खास नहीं है, इनकी भी पंक्तियां छोड़ देंगे हम, आगे चलते हैं। जनता के बीच इस प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे। जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरी की मछली न तरी, जाको पानी में घर है। आपने ये वाली बात सुनी भी होगी, यहाँ पर बता रहे हैं। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रही हूँ, मुझे बताइए अगर आपको समझ आ रहा है ना। बहुत तेज तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद फील हो रहा है कि मैं तेज बोल रही हूँ। स्पीड सही है मेरी? यहाँ बता रही है, जनता के बीच इस प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे। किस प्रकार के भाव? ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा। अब गीत क्या है, आपने सुना होगा, ये वाला गीत सुना होगा आपने, वो मछली क्यों नहीं तरी जिसका बीच पानी, मतलब पानी के बीच में जिसका घर है ना। ऐसे करके आपने एक सॉन्ग सुना होगा। नो मैम, समझ आ रहा है। ओके, गंगा के नहाए कहो को ना तरीके, मतलब कि गंगा में नहाने से आप पार नहीं लगेंगे, आपका उद्धार नहीं होगा गंगा नहाने से। ऐसा मतलब संतों के द्वारा आगे ये ऐसे ही बातें, ऐसे ही वचन फैलते गए गीतों के रूप में, है ना। आपने सुना होगा ओयो, ऐसे करके सॉन्ग है, ओयो तर जांदे जिना दे मन विच हर है। तो मछली के बारे में बात करते हैं कि मछली तो पानी में ही रहती है, तो फिर उसका उद्धार क्यों नहीं हो गया, उसका तो पानी में ही घर है। अगर ऐसा होता कि गंगा नहाने से आप जो है उद्धार को पा लेते, छुटकारे को पा लेते, जन्म मरण के चक्कर से आप आजादी पा लेते, जो जितनी भी योनियां आपको भुगतनी पड़ती है उनसे आप छुटकारा पा लेते अगर गंगा नहाने से, तो फिर मछली को भी छुटकारा हो जाता, वो तो बेचारी पानी में ही रहती है ना। तो ये बात यहाँ पे कर रहे हैं कि गंगा नहाए करो कहो को ना तरेंगे, कि गंगा नहाने से आप तरेंगे नहीं, आप तरेंगे का मतलब उद्धार नहीं पाएंगे आप, पार नहीं पाएंगे आप, है ना। मछली ना तरी यानी कि वो मछली जिसका पानी में ही घर है, जाको पानी में घर है वो मछली, तो उसका उद्धार तो अब तक हुआ ही नहीं, जिसका पानी में ही घर है वो पानी में रहती है। तो ये है संतों की बाणियां, इस तरीके ही इस तरह की बाणियां, संतों की बाणियां जो आगे भी बराबर फैलती रही। और कौन से संत? निर्गुण पंथी संत, ठीक है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन में खंडन तो वे आप ही थे। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, 84 सिद्धों में कौन कौन हुए हैं, कौन कौन सी जाति, पंक्ति किसकी है? देखो पंक्ति यहाँ पर किसी की भी नहीं बताई है ना, किसी की भी नहीं बताई है ना, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये किसी के नाम पे नहीं है पंक्ति, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है किसी का नाम भी। शुक्ल ने किसी के नाम का यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। शुक्ल ने यहाँ पर किसी के नाम का जिक्र नहीं किया है। 84 सिद्धों में मछुए हैं, चमार हैं, धोबी है, डोम है, कहार है, लकड़हारे हैं, दर्जी है, और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग भी हैं। मतलब क्या बता रहे हैं कि जितने भी 84 सिद्ध हुए हैं उनमें अलग अलग जातियों के लोग रहे हैं। कौन रहे हैं? अलग अलग जातियों के लोग, ठीक है। जो ऊपर वाली पंक्ति है आप इसको क्लियर कर लें, यहाँ पे लिखा है जनता के बीच इस प्रकार के भाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में, ऐसे गीतों के रूप में, जैसे ये वाला गीत नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे गीतों के रूप में क्या,
निर्गुणपंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैलते रहे, तो शुक्ल जी ने यहाँ पे किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया है, तो आप इसकी चिंता मत करें, आपको एग्जाम में आएगा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस ये ध्यान देना है कि किस प्रकार से संतों के वचन थे, है ना। तो यहां पर बता रहे हैं जो 84 सिद्धों में कौन कौन सी जाति के लोग हैं, है ना। 84 सिद्धों में कौन कौन सी जातियों के लोग हैं ऐसा बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अलग अलग जातियों के नाम यहाँ पे गिनाए गए हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि जाति पाति का खंडन तो वे आप ही थे। ये शुक्ल का क्या मतलब है इसका कहने का, क्यों कह रहे हैं शुक्ल ऐसा कि जाति पाति का खंडन तो ये आप ही थे, मतलब कि ये छोटी जाति के थे खुद, है ना। अगर ये बड़ी जाति के होते तो शायद ये भी भेदभाव करते, लेकिन ये खुद छोटी जाति के थे तो जाति पाति का खंडन आप ही थे, यानी कि ये छोटी जाति के थे इसलिए जाति पाति का भेदभाव नहीं करते थे। जाति पाति को क्या कर दिया था इन्होंने, उस भेदभाव को इन्होंने दूर कर दिया था। शुक्ल के कहने का मतलब यही है कि ये खुद छोटी जाति के थे इसलिए इन्होंने जाति पाति के बंधनों से मतलब अपने आप को अलग रखा, इन्होंने जाति पाति को नहीं माना, और दुनिया के जो जितने भी लोग संसार में थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, उनके बीच में भी इन्होंने जाति पाति के व्यवहार को नहीं किया। तो जाति पाति का खंडन वे आप ही थे क्योंकि सब छोटी जाति के लोग थे, ऐसा शुक्ल के कहने का मतलब है। आगे ये क्लियर भी कहते हैं इस बात को। आगे कहते हैं, नाथ संप्रदाय में जब जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न ना थे। नाथ संप्रदाय अब फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियां, मतलब कि वही नीची जाति के लोग और उसके साथ अशिक्षित भी, जो जो मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो लोग भी उनके उनके साथ आए हैं। बहुत सारे लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न ना थे, मतलब उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। और पहले तो वैसे भी ऐसा होता था कि सबको वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना, सबको मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, सबको भक्ति करने का अधिकार नहीं था। सब लोग क्या करते थे, जो औरतें हैं, औरतों को भी मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, छोटी जाति के लोगों को भी मंदिरों मस्जिदों में, मतलब कहीं पर भी मस्जिदों में नहीं, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। और अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी कि अगर किसी ने सुन भी लिया ना वेदों को, किसी ने सुन भी लिया तो कहते कांच उसके कानों में पिघला कर डाल दो, मतलब इस तरह का एक भेदभाव किया जाता था स्त्रियों के साथ, औरतों के साथ, और उसी के साथ किसके साथ, छोटी जाति के लोगों के साथ भी, तो नहीं सुन सकते थे। पर धीरे 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 हमने भक्ति काल में पढ़ा था कि रामानंद ने क्या किया, भक्ति का मार्ग सब जातियों के लिए खोल दिया। तो आगे जाकर रामानंद ने वो भक्ति का मार्ग सब जातियों के लिए खोला है, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, नाथ संप्रदाय में धीरे धीरे ये सारी चीजें चलने लगी हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय में सारे ही जो जितने भी लोग थे, जो इनके नाथ संप्रदाय में जो सम्मिलित थे, वो सब छोटी जाति के लोग थे, इसलिए इन्होंने क्या करा, जाति पाति के भेदभाव को खत्म कर दिया। यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग इनमें मिल गए, जो नीची जाति के लोग थे वो भी, अशिक्षित लोग थे वो भी, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है, अशिक्षित लोग थे वो भी और नीची जाति के लोग थे वो भी। तो जो शास्त्र ज्ञान संपन्न नहीं थे, जिनको शास्त्रों का कोई भी ज्ञान नहीं था, उनके बारे में भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, मतलब कि अब नेचुरल सी बात है, अगर आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है ना, आपको कहीं जाने का अधिकार नहीं है, तो आपकी बुद्धि कितनी विकसित होगी। क्यों, वैसे भी मंदिरों में जाने के लिए मना क्यों किया जाता था, जो पंडित होते थे वो जाने नहीं देते थे, ऊंची जाति के लोग होते थे वो जाने नहीं देते थे, क्योंकि उनको डर होता था कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई हो ना जाए, अगर वेद शास्त्र भी पढ़ लेंगे तो भी हमारे से ज्यादा ज्ञानी कोई ना हो, तो इसीलिए उनको पढ़ने नहीं देते थे। वो चाहते थे कि हमें लोग पूछे, हमें लोग माने, और ये सोचें कि इनके ही अंदर जो है वो ईश्वर वास करता है, और इनको भेदों के मतलब इनके अंदर जो बहुत सारे भेद इनको पता है क्योंकि ये वेद शास्त्र पढ़ते हैं। तो बाकी जो जनता थी उनके अंदर तो बुद्धि उतनी विकसित नहीं थी, क्योंकि ना उनको कहीं जाने का अधिकार था, ना कुछ पढ़ने लिखने का अधिकार था। तो अगर आपको पढ़ने लिखने का अधिकार आपका खत्म कर दिया जाएगा, आपकी बुद्धि कितनी विकसित होगी, सामान्य कोटि की बुद्धि होगी, है ना, विकसित नहीं हो पाएगी अगर आपको पढ़ने के लिए मना कर दिया जाए। तो आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो चीजों को, है ना, तो आपकी बुद्धि जो क्या क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है, विकसित होती जा रही है, लेकिन अगर आपको पढ़ने के लिए मना कर दिया जाए तो आपकी बुद्धि वहीं रह जाएगी, आपको बुद्धि का लेवल बल्कि और ज्यादा गिरता जाएगा, है ना।
तो अगर आपको कहीं आना जाना बंद कर दिया जाए तो ये सब होगा। तो वैसा पहले होता था, बुद्धि जो थी सामान्य कोटे की थी, बहुत विकास नहीं हुआ था बुद्धि का। पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए, अब देखो यहाँ पर वो चाहते थे कि हमें ही लोग रहस्यदर्शी समझे, कि इन्हीं को रहस्यों और भेदों की समझ है, इन्हीं के पास सारे रहस्य हैं सुरक्षित। तो अपने आप को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने, यानी कि अपने आप को रहस्यदर्शी दिखाने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, नाथों की बात कर रहे हैं, कि नाथ भी क्या करते थे, अपने आप को रहस्यदर्शी दिखाने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों को, जिनको शास्त्रों का ज्ञान था, उन पंडितों को, उन विद्वानों को भी वो फटकारना जरूरी समझते थे ना। इसीलिए तो वो फटकार रहे हैं कि क्या होगा वेद पढ़ के, क्या होगा मंदिर जा करके, कुछ नहीं होगा, घट के भीतर ईश्वर है, अपने घट के भीतर ईश्वर को खोजो। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, फटकारना भी जरूरी समझ रहे हैं साथ में, ताकि उनको मतलब दिखा सके कि भाई तुम ही पंडित नहीं हो, तुम ही ज्ञानी नहीं हो, हम भी ज्ञानी हैं, हमारे पास भी रहस्य हैं, हमारे पास भी भेद हैं, हम भी बहुत सारी चीजों को जानते हैं। तो वो भी ये दिखाना चाह रहे थे, मतलब सब अपने आप को बड़ा बनाने में लगे हुए थे। आगे है, सदगुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी अधिक था। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। ये वाली पंक्ति है, ये वाली पंक्ति बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, और शुक्ल की पंक्ति है ये, आपको इसको ध्यान देना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको इसको लिख लेना है। यहाँ पे लिखा है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के एक बार फिर से बोल रही हूँ। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके क्या करते थे, स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। नाथ संप्रदाय हिंदी और हिंदू और मुसलमान के लिए एक समान। हाँ जी, मतलब सामान्य मार्ग निकाला जा रहा था कि सबके लिए ऐसा कोई मार्ग निकाले जिसमें सब एक हो जाएं, हिंदू मुसलमान सब एक हो जाएं, ऐसा मार्ग, सामान्य मार्ग। हमने देखा था ना भक्ति काल में, जो क्लासेस हमारी यूट्यूब पे हुई है उसमें हमने सारा ये पढ़ा हुआ है। ओके, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी आप देख लेना वहां पर, ठीक है, जिसने नहीं देखी है, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखी है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं ये शुक्ल की पंक्ति है, और ये बता रहे हैं कि आपने नाथों को देखा होगा, वो अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं, छेद करके रहते हैं और बड़े बड़े कुंडल पहन के रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कनफटे। इसी कारण उनको कनफटे कहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कुंडल पहन के रखते हैं अपने कानों में। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। तो क्या बता रहे हैं, इस पंथ का प्रचार, यानी कि नाथ पंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ पर था ज्यादा, राजपूताने और पंजाब में, क्योंकि इन्होंने प्रचार ही वहां पर किया था। समझ आ रहा है? ओके, कोई सवाल है किसी का तो बताएं जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। समझ आ गया, समझ आ गया, थम्स अप कर दो बस। आगे है, अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए, तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए, तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बाणी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। समझ आया, ओके। इससे उसका मेल भी उनकी बाणियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सुदुखड़ी भाषा का सहारा लिया। तो बाद में क्या हो गया, सुदुखड़ी भाषा का सहारा लिया, और आपको पता ही है कि सुदुखड़ी भाषा किसकी थी, कबीर की। किसकी थी, कबीर की, है ना। मैम जी, जिनकी 46 क्वेश्चन सही है उनका नेट हो गया होगा या नहीं, कैटेगरी के हिसाब से अनुसुईया वो होता है। 46 क्वेश्चन अगर सारे ही आपके सही हैं तब तो कभी भी नहीं हो सकता, चाहे आप जिस मर्जी कैटेगरी से हो। ठीक है, 46 क्वेश्चंस में नहीं होता है कुछ भी, नथिंग। आपके क्वेश्चंस कम से कम 80 होने चाहिए सही क्वेश्चन, 80 तब आपका JRF होगा। ठीक है, सेफ जोन में अगर रहना है आपको 75 to 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, तब आपका नेट और JRF होगा। ठीक है, सेफ जोन के लिए आपको 75 से 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए।
40 क्वेश्चन में तो नहीं हो सकता है। ओके, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था, खड़ी बोली और राजस्थानी से मिश्रित जो भाषा थी वो क्या कहलाती थी? सुधुकड़ी। हाँ कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से आ जाते हैं, बस पढ़ने पे ध्यान देना है ना। आसानी से तो नहीं आते, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, अब इतना भी आसानी से नहीं होगा। हाँ मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। बस आप पता है क्या किया करो, सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी रिवीजन। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में, तो आपको ये इसका रिवीजन करना ही करना है, करके ही आना है क्लास में, है ना। मतलब किसी भी तरीके से आपको रिवीजन करके ही आना है। जब आप पिछली रिवीजन कर लोगे तब आपको आगे का याद भी रहेगा, पीछे का याद भी रहेगा, समझ भी आएगा, है ना। तो जैसे जैसे आप रिवीजन करते रहोगे चीजें क्लियर होती रहेंगी। पीवाईक्यूज अभी से लगाने शुरू कर दो, टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा टाइम है, देखो त्योहारों में जाने वाला है अगला वाला महीना, है ना। मैम यूनिट 5 से 10 रचनाओं के क्वेश्चन थे। अच्छा 5 से 10 तक, ओके। हाँ मैंने एक शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, यूट्यूब क्लास पे उसको करें, यूट्यूब क्लास में करेंगे उसको सॉल्व ना मंडे को। फर्स्ट शिफ्ट वाला मैंने कर लिया है पूरा, वो सॉल्व कर दिया है आपके लिए, और सेकंड शिफ्ट वाला भी है रहता है मेरे पास, वो पेपर अवेलेबल नहीं है, पेपर सेकंड शिफ्ट का मुझे मिला नहीं है, तो फर्स्ट वाला मैंने कर दिया है। देखते हैं कहाँ से क्या सवाल आए हैं, आपको बताऊंगी फिर। 5 से 10 तक तो जो 5 से 10 वाली जो यूनिट है वो आपके पास टेक्स्ट वाली यूनिट है ना, तो उनको तो आप पढ़ना शुरू करो बिना टाइम को खराब किए। अक्टूबर जो है आपका वैसे ही चला जाएगा त्योहारों में, दिवाली दशहरा और पता नहीं कौन कौन से त्योहार है ना, सारे त्योहार उसमें आ जाएंगे, तो आपके 15-20 दिन तो वैसे ही चले जाएंगे। तो आप मत समझो कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, आप टेक्स्ट पढ़ते रहो साथ साथ में, और उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पीवाईक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगा लो साथ में, ठीक है। और एमसीक्यूज पीवाईक्यूज जहां जहां से जैसे जैसे आपको मिलते हैं उनको करना शुरू करो, ये दो चीजें करना शुरू करो, टेक्स्ट पढ़ना पीवाईक्यूज लगाना, ठीक है। बाकी जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ उसको करो, और नोट्स बनाते चलो साथ साथ में, शॉर्ट नोट्स बनाओ पीवाईक्यूज से, एमसीक्यूज जब आप करते हो उससे भी, टेक्स्ट जो आप पढ़ते हो उससे भी, और जो आप क्लास में करते हो उससे भी, और रिविजन करो साथ में, तब आपको जाके हो जाएगा, अगर अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगी बाद में। ओके, यहाँ पर थे हम कि सुधुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा तीर्थाटन आदि के साथ साथ हज नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। क्या बता रहे हैं? नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव किस किस पर पड़ा? हिंदुओं पर भी, हिंदुओं पर तो पड़ा ही पड़ा, साथ में मुसलमानों पर भी पड़ गया, प्रारंभ काल में ही पड़ गया था, ठीक है। और यहाँ बता रहे बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए, मतलब बहुत से मुस्लिम थे जो छोटी जाति से थे, वो कहाँ आए? नाथ पंथ उन्होंने धारण कर लिया। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजा कर कली में अमर राजा भर्तृहरि के गीत गाते फिरते हैं, और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। तो मतलब कि अभी भी मुसलमानों में जोगी हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं ना, ऑरेंज कलर के जो वस्त्र होते हैं उसको पहनते हैं। अभी वीडियो क्लियर है ना, क्लियर आ गई ना। तो जो मुस्लिम है, मुस्लिम जोगी है, वो गेरुआ वस्त्र, ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनते हैं ना, तो वो गेरुआ वस्त्र पहने गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए रहते हैं, सारंगी बजा जाकर कली में अमर बाजा थरथरी के गीत, अमर राजा थरथरी के गीत गाते फिरते हैं। और जब उनको पूछा जाता है कि भाई आप कौन हो, तो वो बोलते हैं कि जो आदि गुरु गोरखनाथ हैं उनके ही हम कौन है, शिष्य हैं, ठीक है, उन्हीं को अपना शिष्य बताते हैं। हाँ अभी क्लियर है, अभी मुझे भी क्लियर दिख रहा है। ओके, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू था तो अभी ठीक कर दिया गया है। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटी गांव के राजा थे, और उनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई है, ठीक है, ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, आगे चलते हैं हम। और यहाँ पर है देश भाषा में लिखी गोरख
गोरख पंत की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम हैं गोरखबोध, गोष्ठी, महादेव, गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरखबोध और दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको मैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ, ठीक है। गोरखबोध को आपने ये नोट कर लेना है, उसके बाद आपको देखना है नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार और गोरखनाथ की वाणी, बस। बाकी सारी रचनाएं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं है, उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हुए हैं। तो मतलब सारे ही ग्रंथ गोरखनाथ के नहीं है, उनके अनुयायी शिष्यों के भी हैं। गोरख के समय में जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उसमें प्रकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। तो गोरख के समय में जो लिखने पढ़ने की भाषा थी उसमें क्या था, प्रकृत और अपभ्रंश के शब्द भी थे, प्रकृत और अपभ्रंश के शब्द भी रहते थे। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम से नरवई नरपति में भी अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। तो जो विराट पुराण के नाम से जो अनुवाद किया गया है वो संस्कृत भाषा के वैराट पुराण का अनुवाद है। ये मैं बता चुकी हूँ, जो गोरखनाथ के अनुयायी शिष्यों के ग्रंथ है, ठीक है, उनकी उनकी बात यहाँ पे चल रही है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और वैराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी या बाणी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। तो साखी साखी किसकी रचनाएं हैं? साखी साखी सबद और रमैनी, कबीर की पढ़ी थी ना हमने, साखी सबद और रमैनी, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं पद को, पद का एक नमूना इन्होंने दिया है, स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई अम्हे जो शिव सबद एक बुझीवा, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाली जो पंक्ति है, अवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरश की छाया, तजीवा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, ये जो है गोरखनाथ की पंक्ति है। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, गोरखनाथ के नाम से ये पूछी जाती है, पहले भी पूछी गई है। गोरखनाथ की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। जिसके पास नहीं है बुक नहीं है वो लिख ले अपने पास, ओके। जिसके पास बुक नहीं है वो लिख ले, अवधू रैया हाटे बाटे रूप विरश की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। तो आपको अगर ईश्वर के रूप की छाया में रहना है, वृक्ष की छाया में रहना है, अगर आपको ईश्वर के वृक्ष की छाया में, तो क्या करना पड़ेगा? आपको छोड़ना पड़ेगा काम क्रोध लोभ मोह और संसार की माया। पंच विकार हमने पढ़े थे ना, कातर पंच विड़ाल लुईपा, है ना। तो लुईपा की पंक्ति थी, पांच विकार जो थे उनको छोड़ने के लिए कहा गया था। वैसे ही यहां पर क्या है, पांच विकारों की बात है ना। तो जो संत थे, जो हमने निर्गुण धारा के संत देखे थे, उसमें बताया था, मैम एमसीक्यूज भी कराए ना प्लीज। अच्छा जी, करवा देंगे। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो संत है निर्गुण धारा के संत है ना, उन्होंने थोड़ा सा, मतलब संख्या पांच ही है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा शब्दों में हेरफेर कर दिया, मतलब अलग शब्द बता दिए, है ना, अलग शब्द बता दिए, काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। और कई बोलते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और हमने पीछे पढ़ा था जो कातर और पंच विड़ाल है उसमें पांच विकारों के बारे में, वो अलग है, उसमें है आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह, है ना। जो आप पढ़ाते हो साथ साथ उसके एमसीक्यूज करवाए मैम, देखो एमसीक्यूज भी करेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा, है ना, सिलेबस भी तो कवर करना है, वो उस हिसाब से ही काम होगा, देखते हैं कैसे होता है। मैंने सोचा था कि मैं एमसीक्यूज आपको उधर करवा दिया करूंगी टेलीग्राम पर, तो अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाया, जैसे मिलेगा तो आपको साथ साथ में वहां पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल सब ज्वाइन करके रखे हैं, जिसने नहीं किया है वो कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है, सरोज हिंदी फिलर फॉर्म करके सर्च कर लेना, या फिर आपको कहाँ पर जाना है,
यूट्यूब क्लास जो लाइव क्लास चलती है हमारी, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है? उसको ज्वाइन कर लेना, फिर वहां पर देखते हैं जैसे मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि क्लास में अगर हम एमसीक्यूज भी करने लगेंगे 1 घंटे की क्लास में सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे करना पड़ेगा हमें सब कुछ। ओके, सिद्ध और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि के सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। ये शुक्ल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो सिद्ध और योगी हैं, उन्होंने जो इतना वर्णन किया है, इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं। हम आवश्यक समझते हैं मतलब कि शुक्ल बता रहे हैं कि मैं आवश्यक समझता हूं कि आप लोगों का ध्यान वहां पर ले जाना। उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, मतलब तांत्रिक विधान से संबंधित थी उनकी रचनाएं, योग साधना भी थी उसमें, आत्मनिग्रह और श्वास निरोध, भीतरी चक्र और नाड़ियों की स्थिति, मतलब कि वही कुंडलिनी जागरण, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। तो मतलब ये सांप्रदायिक शिक्षा है, धर्मों से रिलेटेड एक शिक्षा है। टेलीग्राम पर डाल दो जिससे आपका टाइम आपको टाइम मिले। हाँ, यही करना पड़ेगा, है ना? अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि के सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों की दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। ये शुक्ल का कहना है नाथों के, सिद्धों के विषय में। अतः वे शुद्ध शुद्ध होगा, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक है? सिद्धों नाथों की रचनाएं साहित्यिक नहीं है, ये शुक्ल का मानना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, भक्ति काल में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। किस किस की रचना साहित्य के अंतर्गत आती है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। ध्यान से अगर आपने नहीं देखा है, ध्यान से देख लेना, क्लासेस को दोबारा से रिपीट कर लेना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, जैसे भी आपको सही लगता है, ठीक है? और साथ में नोट्स बना लेना, किसकी रचना साहित्य के अंतर्गत आती है और किसकी नहीं आती है। अच्छा, जिसने नेक्स्ट क्लास में जाना है वो जाए, हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था कुछ उसकी वजह से, वीडियोस की वजह से। तो जिसका मतलब फर्स्ट पेपर की क्लास जिसने करनी है वो जा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे है शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। उनका वर्णन यह केवल दो बातों के विचार से किया गया है। पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा में मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात राजपुताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर साध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी है, जैसे भईले बुढ़िली मिले हुए हैं, मतलब कुछ शब्द बता रहे हैं कि पूर्वी भाषा के शब्द भी कुछ हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शौरसेनी प्रसूत अपनश अर्थात ब्रज की खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था, वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो सो मारिया पैठो जा किंजई करंत जावे जब तक, जावे मतलब जब तक, तावे मतलब तब तक, भैया कोई इत्यादि प्रयोग से पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बांग्ला के नहीं, शौरसेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कणप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है कि वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, यानी कि काव्य भाषा है, पर गीतों की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रमैनी में पाते हैं, ठीक है? रमैनी हो गई है, रमैनी, रमैनी क्या, रमैनी में क्या था, गीत थे उसमें पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली और राजस्थानी मिश्रित सामान्य सुदुकड़ी भाषा है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। 7 बज गए, अरे भाई रोना बंद करो, चलो ठीक है, बंद करते हैं क्लास। बंद करते हैं, चलो जाओ आप क्लास में। ठीक है, कल पढ़ लेंगे आगे, अभी तो 50 मिनट्स ही हुए हैं, 1 घंटा भी नहीं हुआ। अच्छा, हो गया होगा क्योंकि मैंने एक बार बंद करके क्लास चलाई थी ना, आपके पास कितना टाइम शो हो रहा है।
मैंने बंद करके चलाई थी इसकी वजह से। ओके मोस्ट वेलकम, कल की क्लास में मिलते हैं फिर आगे, कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फिर हमारा प्रकरण 2 खत्म हो जाएगा, फिर हम 3 प्रकरण पे जा करके उसके बाद फिर जाएंगे भक्ति काल पर, जहां पे हमने छोड़ा हुआ है ना। तो ठीक है, आप सभी जाओ अपनी क्लास में, फिर मिलते हैं। 7:03 हुआ, अच्छा 7:03 हुआ, ओके चलो ठीक है फिर, सबको बाय बाय। नाइस क्लास मैम, थैंक यू। ओके मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वेलकम वेलकम, ऑसम क्लास, थैंक यू। ठीक है मैं बंद कर रही हूँ।